आइसक्रीम इन अ कोकोनट, पर ये है क्या और ये बनी कैसे? पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। थाईलैंड में मैंने बहुत लोगों को आइसक्रीम खाते हुए देखा था, यार मैंने भी खानी थी, ये है क्या? बेसिकली एक कोकोनट शेल की जो गिरी है मलाई, थोड़ी सी मलाई इसमें छोड़ देते हैं, देन दे पुट इन आइसक्रीम। नाउ यू कैन चूज द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। आई पिक्ड टेंडर कोकोनट टू गो इनसाइड कोकोनट। तो पहले तो नारियल का जो शेल है उसमें इन्होंने टेंडर कोकोनट आइसक्रीम डाल दी। फिलहाल तो इट्स जस्ट अ सर्विंग स्टाइल व्हिच इज नथिंग रियली डिफरेंट, बट नाउ द मैजिक रियली बिगिंस। इसके बाद ना यू गेट टू चूज आप इसमें क्या क्या डालना चाहते हैं, कैसे कैसे डालना चाहते हैं। आपके हाथ में जब इन्हें थमा दिया उसके बाद आपको मिलेंगी टॉपिंग्स। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू पुट अ लॉट ऑफ कूल स्टफ। यहाँ पर बनाना था, देयर वाज सम पैशन फ्रूट, सो आई हैव स्टार्टेड विद सम पैशन फ्रूट एज अ गार्निश फॉर माय आइसक्रीम। पैशन फ्रूट मेरे को बड़ा टेस्टी लगता है आइसक्रीम के साथ, बड़ा अच्छा रहता है। उसके ऊपर हल्का सा बनाना डाला, उस केले के साथ टेक्सचर भी अच्छा आता है, बाइट भी अच्छी होती है, ज्यादा मजा आता है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दीज आर बेसिकली लाइक दीज जिलेटो टाइप स्ट्रॉबेरी, पता नहीं क्या है, ये बड़ा अच्छा जेलेटिन जैसा टेस्ट है इसका, अच्छा लगता है मेरे को। थोड़ी सी रोस्टेड नट्स डाले इसके ऊपर, सो देयर इज अ नाइस क्रंच। ऑलराइट, बेसिकली नाउ दिस इज आल्सो एक्साइटिंग, आप जब क्रंची बनाओगे बड़ा अच्छा लगता है। ऑलराइट, थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने और पैशन फ्रूट के सीड्स डाले, द सीड्स आल्सो हैव अ नाइस लिटिल बाइट, दे हैव अ नाइस लिटिल क्रंच, बड़ा अच्छा लगता है। ये है चिया सीड्स, चिया सीड्स भी डाले तो अच्छा ऐसे फालूदा के जैसा फ्लेवर आता है, विच इज वेरी 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 नाइस, मेरे को लगा मजा। उसके ऊपर आई पुट अ लिटिल बिट ऑफ स्टिकी राइस, स्टिकी राइस थाईलैंड में बहुत पॉपुलर, मेरे गिर रहा था अलग बात है, पर स्टिकी राइस के साथ बड़ा अच्छा लगता है। ऑलराइट, सारे चीजों के ऊपर नाउ यू कैन पुट सम सॉसेस, सो आई वांटेड टू टॉप दिस ऑफ विद सम अमाउंट ऑफ चॉकलेट सॉस, ए नाइस ड्रिजल ऑन द आइसक्रीम विद ऑल ऑफ द पैशन फ्रूट एंड द स्टिकी राइस। थोड़ा सा आई एम ऑल्सो गोना पुट आई थिंक द कैरमल, बिकॉज कैरमल आइसक्रीम टेस्ट वेरी वेरी नाइस। तो आप खुद ही बनाओगे, आपको मजा आएगा अपने स्वाद अनुसार। इस पूरे चीज का कॉस्ट ही, आप जितने मर्जी टॉपिंग ले लो उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, 100 बात। थाईलैंड में बहुत कुछ ट्राई किया, तो नया ही है कुछ, हाँ आइसक्रीम, मैंगो स्टीम, बनाना, इट्स नाइस, आई लाइक इट। थाईलैंड में स्ट्रीट फूड इतना मजा आता है ना, अगर आप शौकीन हो खाने के, नई चीजें ट्राई करने के, आपको बड़ा मजा आएगा। क्योंकि आइस पीलर पर स्ट्रीट फूड बेनिकॉप टू थाईलैंड, बिग कुछ चीज।